मेरे जो हसबैंड से वो हिंदू फैमिली से सी, मैं क्रिश्चियन फैमिली से, लेकिन साड़ी लव मैरिज नहीं सी। इस करके जेड़े मेरे सारे परिवार ने मैनु एक्सेप्ट नहीं किया सी गया। सी रेंट ते रहंदे सी गे, रेंट ते रहंदे करदे करदे मेरे हस्बैंड दी डेथ हो गई। मेरे सारे परिवार ने मेरा कोई साथ नहीं दिता सी और ना ही मैनु कोई खर्चा वगैरह दिता सी। मेरे पापा जिहड़े ओ हैंडीकैप सीगे और उन्हां दी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं सी, उन्हां दी प्राइवेट जॉब सी। ते असी पांच भैन भरा सी, तीन भैणां ते दो भरा सीगे। एक मेरे तो सब तो वड्डा सी, एक सब तो छोटा सी। मेरे पापा ने सानू सारे पंजां भैन भरावां नू बहुत मुश्किल नाल पढ़ाया सी। असी सारे गवर्नमेंट स्कूल विच पढ़े सी, लेकिन असी फिर भी टॉप ते आंदे सी क्योंकि साढ़े पापा बहुत मेहनत नाल सानू पढ़ांदे सी। मेरे मामा जिहड़े सी ओह हाउस वाइफ सीगे, ओह ज़्यादातर बीमार ही रहिंदे सी क्योंकि उन्हां दे पेट विच कैंसर सीगा। फिर मेरे पापा ने मैनू प्लस टू कराई ते उस तो बाद मेरे मामा जिहड़े थोड़े ज़्यादा बीमार रहन लग पे। मेरे मामा कहिंदे कि हुण असी जिहड़े आ कि बच्चिआं दा थोड़ी जल्दी विआह करना शुरू कर दईए क्योंकि मेरी लाइफ का कोई पता नहीं है कि कदों ख़त्म हो जावा। इस करके मैनू प्लस टू तो बाद च मेरे पापा ने मेरी मैरिज कर दी। और मेरे जिहड़े हसबैंड सीगे वो हिंदू फैमिली से सी, मैं क्रिश्चियन फैमिली से, लेकिन साड़ी लव मैरिज नहीं सी क्योंकि मेरे पापा ने अपनी मर्जी नाल मेरा विआह किया। इस करके जिहड़े मेरे सहुरे परिवार ने मैनू एक्सैप्ट नहीं किया सी, एक्सैप्ट नहीं किया सी। तो ये अपने घर दे विच वड्डे सी लेकिन काम कार थोड़े घट करते। मेरे फादर इन लॉ भी नहीं सीगे, सिर्फ मदर इन लॉ सीगे। इस करके मैं ज़्यादातर असी रेंट ते रहिंदे सीगे, रेंट ते रहिंदे करदे करदे मेरे हसबैंड दी डैथ हो गई। हसबैंड दी डैथ हो गई, मेरे बच्चे बहुत छोटे सन। बेटा 5 साल का सी, बेटी 7 साल दी सी। फिर मेरे सहुरे परिवार ने मेरा कोई साथ नहीं दिता सी और ना ही मैनू कोई खर्चा वगैरह दिता सी। इस करके मैं अपने मम्मी पापा दे नाल रहना शुरू कर दिता। मेरे पापा हैंडीकैप सी, फिर मैं सोचा कि मेरे पापा इन्ना बोझ नहीं चुक सकते सी। फिर मैं हौली हौली प्राइवेट जॉब करनी शुरू कर दिती। प्राइवेट जॉब के दौरान मैं अपने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। उस टाइम सिर्फ मेरी 95 दे विच मेरी जिहड़ी 2500 रुपया तनखा सी, 2500 रुपया दे तनखा दे विच मैं अपने बच्चों का हर एक जरूरत नूं पूरा करदी सी। बिल्कुल, एक तुहानूं मैं रोकना चाहूँगी, मैं ये जानना चाहूँगी सब तो पहला कि हसबैंड नूं होया की सी तुहाडे? हसबैंड बीमार रहन लग पए सी। कोई पर्टिकुलर डिसीज सी, बीमारी सी उन्हां नूं किसी चीज़ तो जूझत? बीमारी सी, उन्हां दी डैथ हो गई सी। बच्चे उस टाइम बहुत छोटे सन। बेटा, बच्चे किन्ने ने तुहाडे? बच्चे मेरे दो ने, एक बेटा ते एक बेटी। ते हुण तुहाडे नाल तुहाडा बेटा साथ दिंदा है, ते बेटी कित्थे तुहाडी? बेटी मेरी दी मैरिज हो गई है। ओके, उहना उहदी मैरिज कर दित्ती है, वो अपने सहुरे घर दे विच है। सो एक तां सहुरा परिवार साथ नहीं दे रहा, उत्तों पति दा साया सिर तों उठ गया। दो बच्चों नूं किस तरह पालिया तुसीं? दो बच्चों नूं मैं प्राइवेट जॉब करनी शुरू कीती। प्राइवेट जॉब दे दौरान मेरी जिहड़ी पे सीगी उह सिर्फ 2500 रुपया सी। फिर मैं अपने बच्चों नूं पुराना लिखाना शुरू किया। मेरे बच्चों ने हर जरूरत मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरा किया। मेरे बच्चों को किसी भी चीज़ की मैं कमी नहीं आन दी क्योंकि असी बिल्कुल रोड पर सी, रेंट पर रहते सीगे। मेरे हसबैंड ने भी साढ़े लिए कुछ भी नहीं किया। इस करके फिर मैं ये सोचा कि जे मेरे हसबैंड तो सानू रोड उत्ते छड़ ही गए ने, रेंट के उत्ते छड़ ही गए ने, अज मेरे बच्चे छोटे ने,
अज मैं अपने बच्चों लिए भी कुछ नहीं करांगी तो मेरे बच्चे मैं कल ये ना कह कि साड़ा पियो तो साढ़े लिए कुछ नहीं करके गया सी, लेकिन साड़ी माँ ने भी साढ़े लिए कुछ नहीं किया। इस करके फिर मैं थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी शुरू कर दी। सेविंग करन दे दौरान फिर मैं अपनी थोड़ी जगह ली, जगह लैके फिर उस दे घर बनाया। घर बनाने तो बाद च फिर मैं बच्चे मेरे वड्डे हो गए। वड्डे होने के दौरान फिर मेरी अपनी बेटी की मैरिज कर दी। मैरिज भी अगे भी मैं किसी को अपने ब्रदर को अपन किसी भी रिश्तेदार कोई भी हैल्प नहीं ली सी, क्योंकि मैं अपने जीवित परमेश्वर के उत्ते विश्वास रखनी हाँ, क्योंकि उसने जिसने सानू इस दुनिया के विच कल्या वह हर एक का सहारा है। उसने मेरी हर चीज़ के विच हैल्प की है। उसने मैनु किसी भी चीज़ की कमी नहीं आन दी। मैं अपने ब्रदर को अपनी भैन के कोल भी किसी कोल भी कोई भी अपनी बेटी के मैरिज उत्ते कोई भी हैल्प नहीं ली सी, और उसनु हर एक चीज़ दी मैं जो एक उसनु चीज़ की जरूरत सी, वो तो दहेज दिता, वो तो सब कुछ उन्होंने दिता। पर मैं ये करती सी कि जो मैं नौकरी करती सी, नौकरी के दौरान मैं पैसों में सेविंग करके अपनी बेटी के मैरिज लिए कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती सी कि लास्ट के मैं किसी भी चीज़ की तंगी ना होए कि मेरे को आ नहीं बनया, मेरे को आ नहीं बनया। इस करके मैं वो मैरिज की भी पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दतिया सी। 2500 रुपया तनखा उसके बावजूद घर भी लिया, जगह भी खरीदी, बच्चे भी पढ़ाए लिखाए, कुड़ी का विआह भी किया, उन्होंने सारा दहेज भी दिता। सो यह 2500 रुपया कह सकती हूँ मैं कि बड़ी बरकत आँदी सी। बिल्कुल आँदी सी, मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती सी। मैंने कभी भी किसी रिश्तेदार को अपने ब्रदर के कोल कभी भी किसी चीज़ की हैल्प नहीं मंगी सी। कभी भी मैं उन्होंने ये नहीं कहा कि अज मेरे कोई चीज़ है नहीं है, कभी भी मैं, क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ पूरी रहती सी। मैं अपने बच्चों को वधिया तो वधिया खाना खिलाती सी, वधिया तो वधिया उन्होंने कपड़ा पहनाती सी, हर चीज़ की उन्होंने पूरी जरूरत की सी कि कल मेरे बच्चे ये ना कह कि साढ़े पापा ने तो सानू हर चीज़ लिए कुछ भी नहीं दिता सी, लेकिन साड़ी माँ भी साढ़े लिए कुछ नहीं करके गई। अज मैं अपने बच्चों अपने बेटे के लिए भी वो काम कार खोल के दिता, क्योंकि फास्ट फूड का काम उन्होंने खोल के दिता है, बेटी की मैरिज कर दी है। इस करके कि मैं अपने बच्चे भी स्टैंड कर दिता है, ये उत्ते भी घट्ट तो घट 50,000 रुपया लग्या, वह भी मैं अपनी सेविंग कर करके मेहनत कर करके अपने बच्चे लिए सब कुछ कर दिता है। और मैं अपने बेटे के नाल बराबर खड़ी हूँ, मैं फूड का काम करती हाँ, मेरे को कस्टमर आते ने मेरा खाना खा के बहुत खुश होंगे ने, कहते कि आंटी जी यहोजा खाना तो सानू इस एरिए कोई भी नहीं बना के दिता जिमें खाना इन्ना वधिया ढंग नाल बनाते जे कि बिल्कुल असी घर वांग जिमें घर खाना खाईदा है उस तरह इस खाने भी असी खा के जाने। मेरे कस्टमर खाना खा के बहुत खुश होंगे ने और कॉन्टीन्यूस आते हैं मेरे को। फास्ट फूड भी बनाने हो, तुम लंच भी इतने जरा बनाने, जिमें दसा कि सब्जी रोटी और फास्ट फूड अलग है, लंच वगैरह अलग बनाने, तो यह सारा कुछ मैनेज करके किन्ने बजे रेडी लाने? ये मैनेज करके असी सवेरे 10 बजे आ जाइए, जल्द मतलब कोशिश तो करी दी है कि वो तो जल्दी आइए, क्योंकि जरा सवेर के ब्रेकफास्ट वास्ते भी कस्टमर के घर फोन आने लग पेंदे ने, कैंटी जैसी ड्यूटी पर जाना सानू परौंठा वगैरह चाहिए, फिर उन्होंने घरों बना बना के दे देईदा, क्योंकि फिर थोड़ी तैयारी करके असी आना हुंदा है। पहले सारा खाना पहले घरे बनाईदा, क्योंकि इतने अपने असी रेडी लैके अड्डे पर आ जाने हैं तो साढ़े कोई कस्टमर वेट नहीं करते है, क्योंकि उन्होंने सवेरे जल्दी होंगी, उन्होंने जॉब पर जाना हुंदा है, इस करके नाल दी नाल ही उन्होंने बना के दे दीदा फटाफट कि वह भी बेचारे अपने टाइम नाल अपनी जॉबां दे ते जान, ते वह भी बहुत खुश होंदे ने कि आंटी साढ़े हाथ दा सानू परौंठा बहुत वधिया लगदा है। ते हुण जिवें तुसीं दस्सिया कि तुसीं अपनी बेटी दी मैरिज कर दित्ती, सो बेटे दी मैरिज दा की ख्याल है, कदों कर? बेटे दा मैरिज असीं इह सोच रहे हां कि सानू कुछ नहीं चाहीदा, दहेज वगैरह सानू कुछ भी नहीं चाहीदा, एक अच्छे घर दी लड़की चाहीदी है जो कि अपने घर नूं घर समझे, अपने परिवार के नाल मिलके चलन वाली होवे, ठीक है ना। जिवें मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर दिता, वह भी अपने परिवार के नाल अपने घरवाले के नाल ठीक ठाक चलन वाली होए,
ਉਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਆਂਟੀ ਔਰ ਆਂਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਵੀ ਔਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਿਆ 2500 ਰੁਪਏ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਜੀ।